तो गैज भूले को मैं यहाँ पर डाटा संख्या डाल के चेक कर रहा था ज़मीन के बारे में, तो मुझको यहाँ पर इस तरीके का एरर आ गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं इनवैलिड रिस्पांस फ्रॉम द सर्वर यूपी भूले गवर्नमेंट डॉट इन सेस। तो यही वाला प्रॉब्लम बार बार आ रहा था, मैं रिफ्रेश कर रहा था तब भी मुझको इसी तरीके का दिक्कत देखने को मिल रहा था। अगर आपके साथ ऐसी दिक्कत आ रही है इनवैलिड रिस्पांस फ्रॉम द सर्वर, वो भी भूलेख में ज़मीन वगैरह चेक करते हुए डाटा संख्या डालने के बाद, यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं रिफ्रेश करता हूँ फिर भी यही वाला एरर बार बार आ रहा है। अगर आपके साथ ये दिक्कत आ रही है तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको उसी पेज में रहना, यानी कि क्रोम ब्राउज़र में जाके आप एक नया पेज जनरेट कर लीजिए, क्योंकि जब आप नए पेज से काम करेंगे तो आपका कुछ सर्वर वर्क करेगा। तो यहाँ पर मैं भूलेख में आता हूँ, भूलेख में आने के बाद डाटा संख्या कुछ करने के लिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपको चूज़ करना पड़ता है, ये खतौनी अधिकरण अभिलेख नकल देखें, तो यही वाला हमको चेक करना है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ कैप्चा वगैरह आएगा, तुरंत कैप्चा डालना पड़ेगा, उसके बाद ये ओपन होता है। तो मैं कैप्चा डालने की कोशिश करता हूँ, तो इनकरेक्ट कैप्चा बता दीजिए। अब यहाँ पर आपको जो कैप्चा दिखाया जा रहा है आप उसको टाइप करना है, जैसे छोटे बड़े अक्षर में लिखा गया है उसी तरीके से टाइप करेंगे तभी ये एक्सेप्ट करेगा, वरना तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं कैप्चा डालता हूँ फटाफट, उसके बाद आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा, ये IC0 है उसके बाद O44 है, कभी कभी 0 और O में फ़र्क ही नहीं मिलता। तो यहाँ पर कैप्चर सबमिट हो चुका है, अब मैं सबमिट करता हूँ और यहाँ पर भूले खुल चुका है। अब आपको अपना ज़िला चूज़ करना है, फिर तहसील चूज़ करना है, उसके बाद आप जहाँ के निवासी हैं जिस गांव के नगर के रहने वाले उसको आप चूज़ कर लेंगे, तुरंत आपके सामने सब कुछ ओपन हो जाएगा। बस इतना ही काम करना है आपको, एक बार रिफ्रेश करके या फिर आप एक नया पेज जनरेट करके आप अपना काम करेंगे, तुरंत भूले का सारी डिटेल ओपन हो जाएगी, फिर आप कोई भी डाटा संख्या का चीज़ चेक कर सकते हैं।